कल के दिन दोस्तों एक बात मैंने आपको बताई थी कि हो सकता है कि रुबीना दिलैक के मन में जो है वो चीजें आ गई हों एलिगोनी को लेकर, और एलिगोनी की जो बात सामने आई थी यानी कि इन दोनों को रोने नहीं देना है वरना रुबीना को सिंपैथी वोट मिलेगा, ये बात पता लगने के बाद रुबीना कहीं ना कहीं इस बात से आहत हुई है ऐसा लग रहा था उनके स्टेटमेंट्स में, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। रुबीना बड़े दिल वाली है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो रुबीना दिलैक अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये वीडियो पोस्ट नहीं करती जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में, बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको सारे अपडेट्स मिले। अब ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, तो रुबीना दिलैक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एलिगोनी को याद करते हुए एलिगोनी आर बेस्ट मोमेंट्स ऐसे करके और प्यारा सा स्माइली जो पुच्ची देता है उसको टैग किया है, मैं आपको दिखा देता हूं वो, और उसके बाद रुबीना ने ये क्यों किया ये भी बताता हूं, आप ध्यान से देखिए। याद है ना आपको ये जब एलिगोनी ने उनका फेशियल किया था और एलिगोनी ये एक टास्क के दौरान हुआ था, रुबीना दिलैक को एकदम चमका दिया था। तो दोस्तों यहां पर रुबीना दिलैक ने एलिगोनी का कल जन्मवार भी था राइट, और यहां पर रुबीना दिलैक ने एलिगोनी के बारे में ये भी बात सामने आई थी जब वो आस्क रूबी में उन्होंने पूछा था, तो कहीं ना कहीं दोस्तों रुबीना ने कहा कि वो खेल के सोचा होगा कि वो खेल के दौरान हुआ होगा, तो कोई बात नहीं हम उसको माफ कर देते हैं और हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। एंड रुबीना इस तरीके से एलिगोनी को कर रही हैं मिस, वाव ये है सच्ची बहन का प्यार दोस्तों ऐसा लगता है। और एलिगोनी को भी कहीं ना कहीं ये एहसास तो होगा ही कि रुबीना जो भी है वो सबके सामने है, मुंह पर है, वो पीछे कुछ भी नहीं है और लोगों के सामने वो वही बात करती है जो उसके दिल में है। खैर मैं तो दिल से चाहता हूं कि रुबीना और अली का रिश्ता बना रहे और रुबीना जो है कहीं ना कहीं अली के साथ ही रहे, एंड तक रहे साथ में जब तक उनकी दोस्ती चलती है। आपको क्या है कहना इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज़।